हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप, विदाउट एनी पेड परमिशन, या फिर विदाउट कोई भी ऐप के बिना आप कैसे दूसरे का फ़ोटो अपने फ़ोन में ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबका फ़ोन सर्वर से कनेक्टेड रहता है, आप जो कुछ भी हरकत अपने फ़ोन में करते हैं वो सब कुछ एक सर्वर में जाते रहती है। आज देखेंगे कैसे दूसरे को पता चले उस दूसरे का फ़ोटो आप अपने फ़ोन में ले सकते हैं, वो भी जैसे ही कोई बंदा फ़ोटो क्लिक करता है उसी समय उसके फ़ोन में अगर नेट ऑन रहती है। और आप लोग जानते हैं कि एनी टाइम हर एक बंदा नेट ऑन ही रखता है, तो जैसे ही उसका नेट ऑन रहेगा वो फ़ोटो क्लिक करता है उसी समय नोटिफिकेशन आ जाएगी। या फिर अगर वो बंदा फ़ोटो क्लिक करता है, अगर नेट ऑन नहीं भी रहता है और नेट ऑन जैसे ही वो करता है तो आपके फ़ोन में आ जाएगी वो फ़ोटो, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और वही क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं, सेम क्वालिटी में आ जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पेरेंट्स के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये सेटिंग को करने के लिए, ये ट्रिक आजमाने के लिए सबसे पहले हम गूगल फ़ोटोज़ में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग गूगल फ़ोटोज़ यूज़ नहीं करते हैं। गूगल फ़ोटोज़ उतना यूज़ नहीं करते हैं जितना गैलरी यूज़ करते हैं, फ़ोन का गैलरी यूज़ करते हैं, और हर एक फ़ोन में अपना अपना गैलरी रहती है, तो हम लोग गूगल फ़ोटोज़ को भूल ही जाते हैं। गूगल फ़ोटोज़ रहती है, अनइंस्टॉल भी नहीं करते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। तो चलिए, वही गूगल फ़ोटोज़ के कारण आज हम दूसरे का फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में लेंगे, वो भी एक ईमेल के ज़रिए। पर ईमेल आज सबके पास है, क्योंकि बिना ईमेल का आप कोई ऐप डाउनलोड कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोटोज़ में जाएंगे, गूगल फ़ोटोज़ में, फ़ोटोज़ में नहीं, गूगल फ़ोटोज़ में जाएंगे। वहाँ पे ऊपर थ्री लाइन रहती है, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे सेटिंग की ऑप्शन आएगी। सेटिंग में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन रहता है। शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड लिखा रहेगा, गेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, ईमेल अपना डाल देना है। यहाँ पे ईमेल डाल देंगे, बस हो गया वेरीफाई। अब वो बंदा जो भी फ़ोटो क्लिक करेगा आपके फ़ोन में आएगा, वो भी बिना उसके भेजे। और कब क्लिक करता है, किस टाइम क्लिक करता है, जैसे कि अभी हम क्लिक कर लिए, अगर हम नाइट टाइम में अपना डाटा ऑन करते हैं तो नाइट टाइम में तो जाएगा ही जाएगा आपके फ़ोन में, लेकिन डेट एंड टाइम उसी टाइम का दिखाएगा जिस टाइम वो फ़ोटो क्लिक हुआ। और अगर उसका लोकेशन ऑन रहता है तो आप लोकेशन भी देख सकते हैं कि फ़ोटो वो बंदा कहाँ क्लिक किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ख़ास करके गर्ल्स, आप अपने फ़ोन में चेक कर ले कि कहीं आपके फ़ोन में ये सेटिंग किया हुआ तो नहीं है, या कोई कर तो नहीं दिया है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपका जो भी है आपको पता भी नहीं चल रहा है आपका फ़ोटो दूसरे के फ़ोन में जा रहा है। तो आप लोग चेक कर ले, कुछ नहीं करना है। और उसको बंद करने के लिए कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाना है, सेटिंग में जाना है, जैसे शेयर है तो सबसे पहले करेंगे सेटिंग में जाएंगे, उसे ईमेल पे चेक करेंगे, वहाँ से बस कुछ नहीं करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, बस हो गया। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर करें ताकि दूसरा भी जागरूक हो